राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक स्तर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सार लेखन पर। शिक्षार्थियों, किसी सामग्री का सार लिखना एक उपयोगी कला है जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सार लेखन में किसी विस्तृत विषय वस्तु या अंश के मूल भावों को कम से कम शब्दों और वाक्यों में लिखा जाता है। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि बहुत से क्षेत्रों में पड़ती है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस कार्यक्रम में की जाने वाली चर्चा के उद्देश्य क्या हैं। हमारे उद्देश्य हैं कि हम सार संक्षेपण का अर्थ जानेंगे, सार लेखन के उपयोग का उल्लेख कर सकेंगे, सार लेखन के प्रमुख चरणों की सूची बनाएंगे, मूल भाव अर्थात केंद्रीय भाव की पहचान करेंगे, दिए गए अनुच्छेद का सार लिखेंगे, मूल भाव के आधार पर सार के शीर्षक की पहचान करेंगे, कार्यालयी कामकाज में सार लेखन का आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे और कार्यालयी पत्रों, टिप्पणियों और रिपोर्टों का सार लेखन कर सकेंगे। शिक्षार्थियों, क्या आपने कभी ताज़ा मक्खन खाया है? क्या आप जानते हैं कि मक्खन कैसे निकाला जाता है? दही को रई से बिलोने पर उसका तत्व भाग ऊपर आ जाता है। यह तत्व ही मक्खन कहलाता है। यह मक्खन ही दही का सार होता है। जिस तरह जमी हुई दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार चिंतन की प्रक्रिया से मथकर किसी भी सामग्री में से सार निकाला जाता है। भाषा के संदर्भ में भी सार यही है। अपनी बात को प्रभावी और रोचक बनाने और उसे पाठकों की समझ में आ सकने योग्य बनाने के लिए लेखक अपनी बात को दोहराता है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करता है, किसी कथा प्रसंग से उसे प्रमाणित करता है, विद्वानों की उक्तियों को उद्धृत करके उसे ठोस बनाता है, अलंकार युक्त शब्दावली का प्रयोग करता है और कथ्य को विस्तार देता है। ठीक इसी प्रकार किसी पाठ की सामग्री में से सार और निस्सार बात में अंतर किया जा सकता है। जो बातें महत्व की होती हैं उन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं और शेष को छोड़ देते हैं। जैसे दही से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क पूरी सामग्री या बातचीत में से उसका सार निकाल लेता है। शिक्षार्थियों, ये तो हम जानते ही हैं कि आज का जीवन बहुत भाग दौड़ वाला है। लोगों के पास समय की बहुत कमी है। ज़माना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि यदि व्यक्ति उसके साथ कदम से कदम मिलाकर ना चले तो वह बहुत पिछड़ जाएगा। यही कारण है कि व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक बातें जान लेना चाहता है। कार्यालय में भी ऐसा ही है। कार्यालय में अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता कि वे फाइलों और पत्रों को पूरी तरह से पढ़ें। वे कम से कम समय में अधिक से अधिक फाइलों और पत्रों को निपटाना चाहते हैं। विशेष रूप से वे अधिकारी जिन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है, उस अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता कि वह सभी फाइलें विस्तार से पढ़े। अतः वह संबंधित फाइल की सामग्री का सार प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इस तरह की परिस्थितियों में सार बहुत मददगार सिद्ध होता है। सार को पढ़कर अधिकारी जल्द ही ढेर सारी फाइलें निपटा लेता है। सार को पढ़कर व्यक्ति अपनी रुचि का समाचार, लेख या कहानी चुन लेता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सार किसे कहते हैं। कुल मिलाकर सार पूरी सामग्री के आधार पर तैयार किया गया वह मसौदा है जो संक्षिप्त होते हुए भी सामग्री की सभी मुख्य बातों को अपने में समेटे होता है, जिसके आधार पर पूरी सामग्री को समझा जा सकता है। शिक्षार्थियों, यहाँ आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब सार लेखन का इतना महत्व है तो फिर मूल सामग्री की क्या आवश्यकता है? सब लोग सार ही क्यों नहीं लिखते? अपनी बातें विस्तार से क्यों लिखते हैं? आपका ऐसा सोचना सही है, परंतु मूल सामग्री का अपना अलग महत्व होता है जिसे किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता। यह सही है कि कथ्य की जो संवेदनशीलता है, भाषा का जो चमत्कार है, अनुभव की जो ऊष्मा है, वह सार में नहीं आ पाती। सार से काम तो चल जाता है,
किंतु रचनात्मकता का उसमें अभाव रहता है। अतः कथ्य को पूरी तरह जानने और समझने के लिए, भाषा के चमत्कार का आनंद लेने के लिए और सामग्री की रचनात्मकता से खुश होने के लिए या विभोर होने के लिए मूल सामग्री का अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं कि कार्यालयों के हर अनुभाग में काम की मात्रा के अनुसार सहायक और लिपिक होते हैं, लेकिन काम को निपटाने की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी की होती है। उसके पास इतना समय नहीं होता कि वे हर मामले से संबंधित पूर्व पत्रों और टिप्पणियों को पढ़ सके, इसलिए उनके सामने इनका सारांश ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वे आसानी से सारे मामले को समझ सकें। कभी कभी मामला उच्च अधिकारियों के सामने रखना पड़ता है। उनके सामने केवल मामले का सार प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन बहुत सारे मामले निपटाने पड़ते हैं। उनके लिए हर मामले को जबानी याद रखना मुमकिन नहीं होता। कार्यालय में कई मामले बहुत समय तक चलते रहते हैं। इस दौरान यदि संबंधित सहायक छुट्टी पर चला जाए तो फाइलें दूसरे सहायक को देखनी पड़ती हैं। उसे संबंधित पत्रों और टिप्पणियों के सार से मामले को समझने में सहायता मिलती है। सहायकों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण भी होता रहता है। नए आए सहायक को सार के द्वारा मामलों को समझने में बहुत सुविधा मिलती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कार्यालयों के काम में सार लेखन कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सार लेखन की प्रक्रिया के चरणों के बारे में। आइए अब हम देखें कि अच्छा सार लिखने की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सार लेखन की प्रक्रिया के चरण हैं: मूल सामग्री का बोध, मूल भाव की पहचान, संबंधित भावों की पहचान, मूल भाव को स्पष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरण और दोहराव की पहचान, मूल भाव को प्रभावी बनाने वाले तत्वों अर्थात कथाओं, अलंकारों, प्रसिद्ध कथनों और रचनात्मक तथा व्यास शैली की पहचान, मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए विस्तार देने वाले वाक्यों को हटाते हुए सार लेखन। सार लेखन की दो विधियां हैं। पहली विधि है त्याग विधि और दूसरी विधि है परिवर्तन विधि। त्याग विधि में शब्दों को छोड़ना होता है, अर्थात जो शब्द हमारे काम के नहीं हैं और जिन्हें हटा देने पर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम त्याग विधि कहते हैं। इस विधि में लेखक का परिचय, उनका पता आदि नहीं लिखा जाता। किसी बात को यदि उदाहरण आदि देकर समझाया गया है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसमें केवल मूल संदेश ही लिया जाता है। इस विधि का प्रयोग करते हुए लोकोक्ति, अलंकार आदि का प्रयोग भी त्याग दिया जाता है। वाक्यों को संकुचित करके लिखा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से काम चलाया जाता है। भाषा में चुस्ती और कसाव अपेक्षित है, जिससे सार सरल, स्वाभाविक, सुंदर और प्रभावी लगे। इन बातों का कार्यालय में पत्रों, टिप्पणियों, रिपोर्टों आदि को संक्षेप में लिखते समय भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। दूसरी विधि है परिवर्तन विधि। इस विधि में मूल अवतरण की भाषा को ज्यों का त्यों न उतार कर कुछ परिवर्तन करना अपेक्षित है, जैसे संधि और समास का प्रयोग करके शब्दों को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पीला वस्त्र पहनने वाले कृष्ण भगवान के लिए हम केवल पीताम्बर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर राजा का पुत्र के लिए मात्र राजपुत्र कह सकते हैं। इसी प्रकार कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को छोटा किया जा सकता है, जैसे जो ईश्वर को न मानता हो उसे नास्तिक शब्द कहकर काम चलाया जा सकता है, या फिर जिस पर मुकदमा चल रहा हो वह अभियुक्त कहलाता है, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, और जो पढ़ा जा सके वह पठनीय आदि का प्रयोग करके हम परिवर्तन विधि के माध्यम से सार लिखते हैं।
शिक्षार्थियों, सार लिखते समय हम प्रमुख बिंदुओं या शब्दों को रेखांकित कर लेते हैं और प्रमुख बिंदुओं को समेटते हुए संपूर्ण सामग्री को अपनी भाषा में लगभग एक तिहाई शब्दों में लिखते हैं। परंतु सार लिखने का एक तरीका और भी है। कभी कभी हम मूल सामग्री को पढ़ते समय विस्तार देने वाले शब्दों को हटा देते हैं और निरर्थक शब्दों को छोड़ देते हैं। इसे समझने के लिए हम एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगणित प्रभावपूर्ण जुगनुओं से दैदिप्यमान है, पर तुलसीदास का तेज, उज्ज्वलता और चमत्कार से परिपूर्ण उनकी प्रदीप्त कांति और कीर्ति बढ़ चढ़कर है। वे इस आकाश मंडल के असंख्य तारों के बीच मध्यान्हकालीन प्रचंड मारतंड के समान प्रकाशमान हैं। किसी ने कहा भी है कि तुलसीदास हमारे लिए ही नहीं, हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श हैं। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है, उससे कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं। क्यों न दें? ये कोरे कवि नहीं थे, वरन ये थे एक अद्वितीय चरित्र वाले कवि सम्राट, परमोच्च श्रेणी के महात्मा, राम के अनन्य भक्त, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक, दार्शनिक गंभीर तत्वों को सरल सरस शब्दावली में समझाने वाले उपदेशक एवं भविष्य के गर्भ में निहित घटनाओं को बतलाने वाले महात्मा। इस अनुच्छेद के कुल शब्द 134 हैं। इस अनुच्छेद में लेखक ने कवि तुलसीदास के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। इस भाव को स्पष्ट करते हुए लेखक ने कहा है कि वे इस आकाशमंडल के असंख्य तारों के बीच मध्यान्हकालीन प्रचंड मारतंड के समान प्रकाशमान हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है, उससे अधिक कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं। वे इस आकाशमंडल के असंख्य चमकीले तारों के बीच मध्यान्हकालीन प्रचंड मारतंड के समान प्रकाशमान हैं, यह कहकर पहले वाक्य में उसने अपनी बात की व्याख्या की है। अगले वाक्य में इन्होंने शेक्सपियर का उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया है। आगे इस अनुच्छेद में लेखक ने उच्च प्रदर्शक कहकर अपने भाव को दोहराया है और भाव को प्रभावी बनाने के लिए लेखक ने दूसरी पंक्ति में बढ़ चढ़ कर होना मुहावरे का प्रयोग किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि लेखक ने बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग किया है और इस प्रकार से उन्होंने अपने भाव की व्याख्या की है और तुलसीदास की प्रशंसा की है। बहुत अधिक जैसे उन्होंने विशेषणों का प्रयोग किया है और कहा है कि क्यों न दें, ये वाक्य लेखक की रचनात्मकता शैली का उदाहरण है। तो शिक्षार्थियों, आप समझ ही गए होंगे कि इस अनुच्छेद का मूल भाव है कवि तुलसीदास का प्रभावशाली व्यक्तित्व। कवि तुलसीदास के व्यक्तित्व की विशेषताएं जैसे पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, राम के अनन्य भक्त आदि, इन सब विशेषताओं में आपने देखा कि मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने कहाँ व्याख्या की है, कहाँ उदाहरण दिया है और कहाँ अपने भाव को दोहराया है। हम यह भी जान गए हैं कि अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक ने किस प्रकार से मुहावरों का, अलंकारों का और प्रसिद्ध कथनों का प्रयोग किया है और एक विशेष शैली का प्रयोग करते हुए अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली बनाया है। इसके बाद मूल भाव पर ध्यान केंद्रित कर हम भाव को स्पष्ट करने और प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त तत्वों को हटाकर विवरणात्मक अन्य पुरुष शैली में हम सार लिखना प्रारंभ करते हैं। आपको स्पष्ट कर दूं, विवरणात्मक अर्थात हमें सार में केवल विवरण देना चाहिए। हमें संवाद या संबोधन आदि शैलियों के स्थान पर अन्य पुरुष शैली में सार लिखना चाहिए। तो इससे पहले हमने जिन चरणों के बारे में चर्चा की, उनसे गुजरते हुए हम इस अनुच्छेद का सार इस प्रकार लिख सकते हैं। विश्व साहित्य में शेक्सपियर के समान तुलसीदास का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकवि तुलसीदास ने हिंदी काव्य में अनुपम रचनाएं दीं। वे कवि होने के साथ साथ चरित्रवान, अनन्य राम भक्त, महात्मा, दार्शनिक, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक, गंभीर बातों को सरल भाषा में समझाने वाले उपदेशक और भविष्य दृष्टा थे।
तो आपने देखा कि इस अनुच्छेद का जो हमने सार लिखा, इसके कुल शब्द लगभग 134 शब्दों की जो हमारी मूल सामग्री थी उसका एक तिहाई अर्थात 48 शब्दों का ये सार हमारा बना। तो शिक्षार्थियों, आपने देखा कि मूल अनुच्छेद में 134 शब्द थे और सार हमने 48 शब्दों में लिखा। सार लिख लेने के बाद हमें एक बार उसे पढ़कर भी देख लेना चाहिए कि उसमें कोई मुख्य बात आने से तो नहीं रह गई है और अनावश्यक बात तो शामिल नहीं हो गई है, और हमें अपनी भाषा शैली भी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शीर्षक के चयन की। निश्चित अनुच्छेद का शीर्षक छांटना भी एक कला है। शीर्षक सदैव सामग्री पर आधारित और उसके केंद्रीय भाव पर आधारित होना चाहिए। सार लिखने से पहले हमें यदि शीर्षक स्पष्ट हो जाए तो विचारों को सार रूप में कागज़ पर उतारने में हमें बहुत सुविधा मिलती है। शीर्षक चुनने के लिए आप अवतरण को, अनुच्छेद को 2-3 बार पढ़िए और उसके केंद्रीय भाव पर विचार कीजिए। कभी कभी यह केंद्रीय भाव अवतरण के शुरू में ही मिल जाता है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी यह अवतरण के मध्य में या अंत में भी हो सकता है। हम बात करते हैं कि हमारे सार का शीर्षक कैसा हो। शिक्षार्थियों, शीर्षक सदैव आकर्षक और रुचिकर होना चाहिए, साथ ही उपयुक्त भी हो, जिसमें संपूर्ण सामग्री का तथ्य या आशय स्पष्ट होता हो। एक बार शीर्षक पढ़कर पाठक यह अंदाज़ा लगा ले कि अनुच्छेद में क्या होगा, साथ ही शीर्षक में इतना अधिक आकर्षण हो कि वह पाठक को सामग्री पढ़ने पर मजबूर कर दें। एक ही अनुच्छेद के एक या उससे अधिक शीर्षक भी हो सकते हैं। प्राय शीर्षक एक शब्द या एक पदबंध का ही होता है। कभी कोई सूक्ति या वाक्य भी उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। अनुच्छेद समझकर कई बार पढ़ लेने के बाद जो ज़्यादा आपके मन को जचे वही उपयुक्त शीर्षक होता है, उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी सार का शीर्षक उपयुक्त पाकर ही पाठक सार पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव करता है। तो शीर्षक बहुत सोच विचार कर ही चुनना चाहिए और इसी से आपकी बुद्धि की भी परख होती है। उदाहरण के लिए जिस अनुच्छेद के बारे में हमने अभी चर्चा की, इसका केंद्रीय भाव या मूल भाव है कवि तुलसीदास का प्रभावशाली व्यक्तित्व। अतः शीर्षक घूम फिरकर इसी से संबंधित होगा। यह शीर्षक कवि तुलसीदास हो सकता है, प्रभावी कवि तुलसी, तुलसी का हिंदी साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य का सितारा तुलसी या रचनाकार तुलसी आदि, कोई भी शीर्षक चुना जा सकता है। जो भी शीर्षक आपको उपयुक्त लगे उसे आप चुन सकते हैं। सार तथा सारांश दोनों प्रकार के लेखन में शीर्षक का बहुत महत्व होता है। शिक्षार्थियों, आप ध्यान दें कि प्राय शीर्षक एक शब्द या एक पदबंध का ही होता है। कभी कोई सूक्ति या वाक्य भी उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। अनुच्छेद समझकर कई बार पढ़ लेने के बाद जो ज़्यादा आपके मन को जचे वही उपयुक्त शीर्षक होता है, उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी सार का शीर्षक उपयुक्त पाकर ही परीक्षक सार पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव करता है। अतः शीर्षक बहुत सोच विचार कर ही चुनना चाहिए, इसी से आपकी बुद्धि की परख होती है। सार संक्षेपण तथा सारांश दोनों प्रकार के लेखन में शीर्षक का बहुत महत्व है। अब हम बात करते हैं सार लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातों की। एक, दो या अधिक बार पढ़कर मूल सामग्री को समझना बहुत आवश्यक है। सामग्री में आई व्याख्याओं को, उदाहरणों को और भावों के दोहराव को रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है। मूल भाव को हमें अलग कागज़ पर लिख लेना चाहिए। मूल भाव और उससे संबंधित भावों के आधार पर विवरणात्मक अन्य पुरुष शैली में मूल सामग्री से लगभग एक तिहाई आकार में सार या संक्षेपण लिखा जाना चाहिए। शिक्षार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम से सार लिखने में मदद मिलेगी। नमस्कार।
हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बनके दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए। NIOS के संग। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 67वां गणतंत्र दिवस NIOS के लिए विशेष आयोजन का साक्षी रहा। यह आयोजन था एक सामाजिक सद्भावना के संकेत के रूप में। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी ने दिव्यांगों को आमंत्रित किया गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2016 के परेड में सम्मिलित होने के लिए और इसके अवलोकन के लिए। मेरा NIOS से विशेष निवेदन है, 26 जनवरी को NIOS के सौजन्य से ये स्पेशल विद्यार्थी विशेष रूप से दिल्ली आए और गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो, उस परेड को स्वयं देखें। दिल्ली आएंगे? आना होगा ना सबका। दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए दिल्ली में अशोक रोड स्थित YWCA में ठहरने का विशेष प्रबंध किया गया। NIOS द्वारा इन दिव्यांग शिक्षार्थियों को राजघाट दिल्ली, NIOS मुख्यालय और आगरा भ्रमण के विशेष प्रबंध भी किए गए। NIOS द्वारा इन दिव्यांगों के लिए राजपथ के 20 नंबर अहाते में परेड देखने के विशेष प्रबंध भी किए गए।
समस्याओं का इलाज चाहे सिर्फ हमारे पास NIOS NIOS। पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। दूर दराज क्षेत्रों से आए इन दिव्यांग शिक्षार्थियों के चेहरों की रौनक और आंखों की चमक से खुशी और सौहार्द साफ सी झलकती दिख रही है। एनआईओएस के थ्रू हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम लोग आगरा और दिल्ली की सैर कर सकें। इस एक्सपीरियंस से हमारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड और खुश हैं, और हमारी पूरी टीम मेंबर, हमारे प्रिंसिपल सर, सभी को ये मौका बहुत अच्छा लगा है और वो लोग सब खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमने किसी ने सुना कि आप मोदी जी से पास से बहुत पास से मिले क्या? पहली बार मोदी ऐसे कर रहे थे? कितने पास थे? दूर थे? पास ये ऐसे ऐसे आपको बोला? आंखों में देखा क्या? ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने जहां गई है वो इंडोनेशिया गई है, जापान से खेल के आई है और इंडिया में कई एक जगह पे खेली है, तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस ये साइन लैंग्वेज के द्वारा बताई है कि हम हर जगह पे जा रहे हैं और खेल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ आने के बाद लगता है कुछ और अलग ज़िंदगी मिल गया। हमारे पेरेंट्स भी नहीं सोच सकते थे कि हमको ऐसा कुछ मिलने वाला है यहाँ, इसलिए मैं NIOS की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं इनसे, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमें और ऊँचा तक ले जाएँ, और जहाँ तक हमसे होगा मेहनत करना, हम मेहनत करने में से पीछे नहीं हटेंगे। मैं, हमें दिल्ली आने में बहुत अच्छा लगा। बाहो लाला थतुल मोला ते ते नानी कनो हलक आई है टुक टुक ते। वी सॉ द रिपब्लिक डे परेड एंड द फाइटर प्लेन्स एंड असम एंड ऑल द झाकियाज एंड इट वाज सुपर्ब, इट वाज ब्रिलियंट। या इवन या Prime Minister, we met, we saw him, we shook hands with him. Now the third day, NIOS chairman office we have visited and we've met the chairman. And how do you feel? It was all good, right? Yeah, all of them are very thankful to NIOS for all the support that they do. Thank you. NIOS के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने सारे बच्चे जो दिव्यांग हैं वो यहाँ आए और इसकी शोभा बढ़ाए। कई बच्चों ने ये कहा कि उनके लिए सौभाग्य का अवसर था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि NIOS के लिए ये सौभाग्य का अवसर था कि ये बच्चे समय निकाल पाए, इतनी कठिनाइयों के बावजूद यहाँ आए और इतने प्रसन्न हैं कि अपनी संस्था में वो आए हैं। NIOS प्रतिबद्ध है समाज के दिव्यांगों के प्रति गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर NIOS के साथ। आप भी जुड़िए NIOS के संग।